चलिए अब वृत्त के क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ आर का मान 3 सेंटीमीटर रखने पर हमें क्षेत्रफल मिलेगा 28.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का यह सूत्र आया कहाँ से? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे और फिर उसके एरिया को 8 बराबर भागों में बांटकर उसे आयताकार शेप में अरेंज करेंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये कुछ खास आयत जैसा नहीं दिख रहा है, इसलिए हम वृत्त को और बराबर छोटे टुकड़ों में बांटेंगे और फिर उसे आयताकार शेप में अरेंज करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि ये थोड़ा आयताकार जैसा दिख रहा है, यानी कि अगर हम वृत्त को और छोटे टुकड़ों में बांट दें तो उसके टुकड़ों को अरेंज करने पर हमें यह ज्यादा आयताकार जैसा दिखेगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम वृत्त को कितने छोटे टुकड़ों में काटे कि उसे अरेंज करने पर हमें एक परफेक्ट आयताकार बन जाए? यहाँ हम वृत्त को और छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, और छोटा यानी कि हम वृत्त को अनंत छोटे टुकड़ों में तब तक काटना होगा जब तक आयताकार ना मिल जाए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जो है लेंथ इनटू ब्रेथ। यहां हम देख सकते हैं कि आयत की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होगी। अब चूंकि वृत्त की परिधि 2πr होती है, इसलिए आयत की लंबाई πr हो जाएगी। और आयत की चौड़ाई की बात करें तो वह वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी, इसलिए यहां से हमें वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, उसका क्षेत्रफल πr स्क्वायर होगा और उसकी परिधि 2πr होगी। चलिए अब एक सवाल का जवाब दीजिए। एक किसान के पास एक वृत्ताकार खेत है। वो अपने खेत को चारों ओर से एक लोहे की तार से घेरना चाहता है और अपने खेत में एक खाद भी डालना चाहता है। तो अब आप ये बताइए, किसान को तार की लंबाई जानने के लिए और खेत में कितना खाद डालना है यह जानने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा या परिधि? 5 सेकेंड का समय लीजिए और इस पे थोड़ा गहन चिंतन कीजिए। आपका समय होता है समाप्त। तो देखते हैं आपने क्या सोचा। किसान को तार की लंबाई जानने के लिए वृत्त की परिधि निकालनी होगी और खाद की मात्रा जानने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होगा। चलिए अब मान लीजिए कि एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर टेप लगाना है और टेबल को पेंट भी करना है। तो ये बताइए कि टेप की लंबाई और पेंट की मात्रा जानने के लिए वृत्ताकार टेबल की परिधि ज्ञात करनी होगी या क्षेत्रफल? इस प्रश्न का उत्तर अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिएगा। तो देखते हैं कि आपके दोस्तों ने क्या कहा। टेप की लंबाई जानने के लिए वृत्त की परिधि निकालनी होगी और पेंट की मात्रा जानने के लिए क्षेत्रफल। बिल्कुल सही सोचा आपने। तो अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि कब हमें वृत्त की परिधि निकालनी है और कब क्षेत्रफल। अब हम अगले वीडियो में इस पर आधारित कुछ उदाहरण करेंगे। धन्यवाद।